अच्छा ये amazon.com जब आपने खोलना है ना, अगर आपने किसी भी मार्केट प्लेस में जब काम करना है, प्लीज म्यूट करें अपना स्पीकर और वो ताकि आवाज के डिस्टरबेंस ना हो, स्पीकर भी और अपना ये भी म्यूट करना है। अच्छा जब भी हम लोगों ने किसी भी मार्केट प्लेस में काम करना है ना, आपने कोई भी amazon का आपने ओपन करना है, amazon.com खोलना है या यूके का खोलना है, जर्मनी का, फ्रांस का, कहीं का भी आपने खोलना है, सबसे पहले आपने उसकी लोकेशन चेंज करनी है। लोकेशन आपने किसी को चेंज करनी है, ये अमेज़न के साथ ये जो लिखा रहा है ना डिलीवर टू, ये स्क्रीन में आप देखिए, मैंने स्क्रीन में क्लिक किया है डिलीवर टू, इधर आपने उधर की लोकेशन डालनी है। स्क्रीन नहीं आ रही है, नहीं शो हो रहा मेरी स्क्रीन, शो नहीं हो रही सर? अब मैंने रिफ्रेश किया, आप चेक करें दोबारा से। अच्छा वही आ रहा है, एक सेकंड पे आप देखें, आप शो हो रही है, अब हो रही है स्क्रीन पे, ठीक है। ये देखें amazon.com खोला आपने, या जो लिखा रहा है डिलीवर टू, ठीक है। आपने अपनी लोकेशन, अगर यूएस है तो आपने काम करने से पहले उधर का आपने गूगल से सर्च करना है, उधर का कोई बस, ठीक है। यूके में है तो यूके का आपने एड्रेस उठाना है, कोई जिस लोकेशन में भी आप काम कर रहे हैं, जब भी वर्किंग स्टार्ट करनी है आपने, सबसे पहले आपने इधर से लोकेशन चेंज करनी है। बाय डिफॉल्ट आपकी पाकिस्तान आ रही होगी, तो अभी हमने यूएस में खोला हो तो यूएस की आपकी न्यूयॉर्क का डालना है 1001, तो ये आपकी लोकेशन यूएस की हो जाएगी। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको प्रोडक्ट्स बहुत नजर आएंगे जो यूएस में सेल हो रहे होंगे, अगर आपका पाकिस्तान का आईपी होगा तो वो नजर आएंगे जिसकी डिलीवरी पाकिस्तान में है और यूएस वाली शो नहीं होगी आपको, ठीक है। ये लोकेशन चेंज करने, सबसे पहले आप लोकेशन चेंज करने के बाद आपने सबसे पहला स्टेप जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई भी एक प्रोडक्ट आप ओपन करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूँ। अब आप सिंपल बायर के, अगर एज अ सिंपल बायर आए आप आए, आपका क्या स्टेप होगा, जस्ट आपने आना देखना प्रोडक्ट आपकी पसंद का है नहीं है, अगर पसंद का है आपने जस्ट ऐड टू कार्ट किया और चेकआउट कर देना आपने, सिंपल बायर का यही काम है आपको, उसने और कुछ भी नहीं देखना। अब ये आपको मेरी स्क्रीन में शो हो रहा है, ये देखें ये प्रोडक्ट है। अब मैं एक सिंपल बायर हूँ, मैंने आगे देखना है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, प्रोडक्ट देखना है, तस्वीरें देखनी है, वीडियोज भी दी हुई है, वीडियोज देखनी है, जो चीज़ें मेरे काम की है वो पढ़ ली, इसकी मजीद नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ी और जस्ट मैंने इधर ऐड टू कार्ट किया और प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया। ऐसा ही है, आम एक जो बायर करता है वो यही कुछ करता है, ठीक है। इधर आपको स्क्रीन में और कोई एक्स्ट्रा चीज नजर नहीं आ रही, चीजें बहुत भी नजर आ रही हैं, टूल्स के हिसाब से कोई चीज नजर नहीं आ रही इसमें आपको, ठीक है। अगर कोई थोड़ा सा होगा, कोई मतलब किसी को थोड़ा सा टेक्निकल पता होगा, वो मजीद देख लेगा कि और कौन कौन से सेलर इसको बेच रहे हैं या कोई और प्राइस में बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, ठीक है। यहाँ तक चीजें ठीक है, जवाब दे दिया ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ, ठीक है। अब ये देखें इसके नीचे कोई ग्राफ कोई कुछ भी नहीं शो हो रहा है इसमें, ये सिंपल जस्ट शो होता जा रहा है, इसके अंदर एक जो नॉर्मल एक बायर को नजर आता है वही नजर आ रहा है। अब इसमें हमने एक्सटेंशन ऐड करनी है, सबसे पहली एक्सटेंशन जो आपने ऐड करनी है वो करनी है ऑनलाइन सेलर एड ऑन की, ये जो मेरी स्क्रीन में शो हो रही है यही वाली आपने ऐड करनी है एक्सटेंशन। लिख लो तो मर्जी है, ना भी लिखो तब भी आपकी मर्जी है। ये वाली एक्सटेंशन होगी, ये ब्लू कलर की जो स्क्रीन में आपको शो हो रही है, इसको आप ऐड टू क्रोम करें, ये आपकी ऐड हो जाएगी डायरेक्ट। कर लिया ऐड आपने, नेट नहीं चल रहा, चले देखते जाएं। ये मैं तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, लेकिन अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो ये देख लें आप, ये वाली होगी एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट अब आप इसको रिफ्रेश करके देखें अपने ब्राउजर को, अगर आपने ऐड कर लिया तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन का इफेक्ट शो हो जाएगा साइड पे, राइट साइड पे इधर आ जाएगी ये।
आ जाएगी, नेट का थोड़ा सा इशू है। इधर ये राइट साइड पे हो जाती है, यहाँ पे मेरा माउस आपको नजर आ रहा है इतना, इधर ये शो हो जाती है एक्सटेंशन। ये देखें, ये नजर आ रही है एक्सटेंशन काउंट स्टॉक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सटेंशन जो आपने लगानी है, वो आपने लगानी है TWF बाय बॉक्स स्कोप। लगा लिए TWF बाय बॉक्स को, ये है TWF बाय बॉक्स को बीटा 1.1। वो भी नेट की वजह से, स्क्रीन शो हो रही है आपको, आप देखते जाओ फिर घर जाके कर लेना तो, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, घर जाके आप कर लीजिएगा। ये लग गई TWF सबकी लग गई है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सटेंशन है कीपा, ये कीपा भी लगाना है। हाँ, Amazon प्राइस ट्रैकर। ठीक है, इसके बाद आप हीलियम 10 की लगा लें। हीलियम 10 के बाद जंगल स्काउट ऐड कर लें, उसमें देखें क्रोम एक्सटेंशन जिसके आगे लिखा होगा। ये जो मेरी स्क्रीन में आप देखें कौन सी शो हो रही है, ये वाली लगाएं आप। जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन के बाद लगानी है AMD स्काउट स्टॉक स्टैट्स, ये जो स्पीड में शो हो रही है।
ठीक है जी, लग गए सब पे एक्सटेंशन। AMG स्कॉट स्टॉक स्टैट्स का लास्ट जो है AMG स्कॉट, ये मेरे स्क्रीन में चेक करो आप, एड की बात सबसे नीचे वही आ रही है। ठीक है लगी है, हाँ बाद में लगा लीजिए, ये भी ठीक है। अच्छा अब ये देखिएगा स्क्रीन में आएगा सारे। अब ये एक्सटेंशन लगाने का मकसद ये होता है कि एक नॉर्मल सेलर को मैंने पहले आपको दिखा दी स्क्रीन किस तरह की शो हो रही, और एक अब जो आपने एक्सटेंशन लगा ली इसमें आपको जिस तरह की शो होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सबसे पहली एक्सटेंशन लगाई थी हम लोगों ने ऑनलाइन सेलर एड ऑन, वो ये राइट साइड पे शो हो रही है ब्लू कलर की, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे इसमें सारा कुछ जिसके बाद रिलेटेड है वो मैं एक वन बाय वन बताता हूँ। फिर एक लगाई थी आपने टी डब्ल्यू एफ बाय बॉक्स बीटा सेकंड जो थी वो ये शो हो रही है ब्लू कलर की नीचे, ठीक है। हाँ जहाँ पे बाय बॉक्स का लिखा हुआ नो बाय बॉक्स प्राइस, ठीक है। उसके बाद जो हमने कीपा लगाई थी वो कीपा ये ग्राफ शो हो रहा है कीपा का, कीपा आपने क्यों नहीं लगाई, कीपा मैंने बताई थी कीपा लगाएं। चले कोई इशू नहीं, आप लिख लें ये लगा लीजिएगा, मैं आपको भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। बेचक लिखते जाओ बेचक वीडियो में बाद में देख लेना। उसके बाद आपने एक लगाई स्टॉक स्टैट वाली, उसमें आपको स्टॉक का पता चलेगा जैसे जंगल स्काउट और हीलियम टैन जो मैंने बताई ना आपको, उसका आप फ्री ट्रायल वर्जन उसका यूज़ कर लीजिएगा, उसको आप लॉग इन कर लें अपने किसी भी ईमेल से। जंगल स्काउट और हीलियम टैन इसको आप लॉग इन कर लेंगे तो आपको इसका ट्रायल वर्जन मिल जाएगा, एक हफ्ते का होता है कालबन या टू वीक्स का होता है, तो वो आप लोग उधर से देख लीजिएगा, ठीक है। बस एक आपको वो अभी हम करेंगे वो जब उस टॉपिक पे आएंगे तो फिर वो मैं आपको बता दूंगा कैसे होते हैं। अच्छा आप ये देखें, ये जो ऑनलाइन काउंट, ये जो ऑनलाइन सेलर एड ऑन हमने ऐड की थी ना, मिल गया। अब ये देखें जब आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करेंगे ना, ये आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ रहा होगा जो मेरे सामने आ रहा है। इसमें ये जो दो ऑप्शन आ रहे हैं ना बाय न्यू या रिक्वायरिंग डिलीवरी, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि अगर आप रिक्वायरिंग डिलीवरी पे आप क्लिक करेंगे या इसके थ्रू आप बाय करेंगे, इसका मकसद ये होता है कि आप अमेज़न को बता रहे हैं, इसमें आगे जाके नेक्स्ट स्टेप ये होते हैं कि आप उनको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हर महीने इस डेट को और इतनी क्वान्टिटी मेरे घर ऑटोमेटिक डिलीवर कर दिया करे, तो अमेज़न आपके ऑटोमेटिक उसमें से ना सेम डेट में सेम टाइम में आपसे उतने पैसे आपके कार्ड अटैच होता है चार्ज कर लेगा और वो आपको ना हर महीने वो भेजता जाएगा आपके अंदर, ठीक है, आपके आपके घर भेजता रहेगा सॉरी। और जो बाय न्यू है, बाय न्यू पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस पे हमारी हमारे मुताबिक जो है ना कि डेली जो सिंगल वन टाइम परचेज करनी है जिसने, उसके मुताबिक इसकी डिटेल्स आएंगी। तो आपने जब भी आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो बाय न्यू पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस पे आप करेंगे तो फिर आपके सामने वो एक्सटेंशन आ जाएगी ऑनलाइन सेलर एड ऑन। ऑनलाइन सेलर एड ऑन हमें क्या क्या बताती है, ये हमें बताती है कि जो हमारे कंपटीटर्स बैठे हुए हैं कौन कौन से कंपटीटर्स हैं, इसमें एफबीए सेलर्स कौन से हैं, एफबीएम सेलर्स कौन से हैं, उनका स्टॉक कितना है, उनकी रेटिंग्स क्या है, उनकी डिलीवरी डेट्स क्या है और उनकी कंडीशन क्या है।
अब ये देखें इसमें लेफ्ट साइड पे जो सैलेड के नीचे बता रहा है ना, ये सैलेड के नीचे बता रहा है कि अमेजोन बैठा हुआ है, और फिर ये नीचे डिफरेंट सैलेड्स के नाम आ रहे हैं। फिर उसके आगे क्वांटिटी का हैडिंग, क्वांटिटी के नीचे देखें सबकी क्वांटिटी बता रहे हैं कि किस सैलेड के पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस बता रहा है कि कौन सा सैलेड किस प्राइस पे बेच रहा है। फिर आगे टाइप में बता रहा है कि कौन कौन से सैलेड है, सबसे पहले अमेजोन बैठा हुआ है, फिर एफबीएम सैलेड बैठा हुआ है, फिर एफबीए बैठा है, फिर एफबीएम, फिर एफबीए, इस तरह से ये सारे सैलेड का बता रहा है कि कौन कौन से सैलेड बैठे हुए इसके ऊपर, इस लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट में बता रहा है कि रेटिंग किस सैलेड की कितनी रेटिंग है, रिव्यूज कितने और रेटिंग्स कितने हैं, फर्स्ट की 59% है, फिर 100% है, फिर 76% है, इस तरीके से ये रेटिंग है। फिर कंडीशन आगे बता रहा है कि सारे सैलेड न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हैं, और एंड में लास्ट में बता रहा है कि ये कौन कौन से सैलेड की कौन सी डिलीवरी डेट है, ठीक है। इस वाले एक्सटेंशन से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इन सारी चीज़ों को देखने का मकसद ये होता है कि हमने इधर से डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि अगर हम लोग इसमें इस वाले में जा रहे हैं तो इसके अंदर जो बाकी सैलेड बैठे हैं उनका कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, हमें उनके मुताबिक कितना स्टॉक लेना चाहिए, किसकी क्या प्राइस है, हमने अपनी प्राइस किसके मुताबिक कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी जो हमने कैलकुलेट करनी है। फिर उसके बाद उनकी रेटिंग्स देखनी है कि इसमें बहुत ज़्यादा रेटिंग्स वाले तो नहीं है, जैसे इसमें एक बैठा हुआ है 5500, ये चीज़ ज़्यादा नहीं है। अक्सर सैलर्स होते हैं लाखों की रेटिंग्स उनकी होती है, हमने देखना हमारा कंपटीशन उनके साथ तो नहीं है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर देखनी होती हैं कि हम लोगों के जो कंपटीटर्स बैठे हुए हैं वो कौन कौन से बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एक एक्सटेंशन है वो TWF BuyBox Beta, इसमें आपको जो इसमें ट्रायल वर्जन में आपको बताएगा, अभी तो ये एक्सपायर हो गया मेरे पास, ट्रायल वर्जन में आपको नहीं बताएगा कि BuyBox प्राइस क्या है। BuyBox जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि BuyBox होती है सेल्स, कि अमेजोन सेल्स किसको दे रहा है, ठीक है, उसको हम लोग अमेजोन के टर्म्स में कहते हैं BuyBox। अब इसमें ये बताता है कि BuyBox किसको किस प्राइस में मिला हुआ है, कौन कौन से सैलर्स बैठे हुए, नंबर ऑफ सैलर्स बता रहा होता है इसके अंदर, और इसमें एसिन बता रहा होता है आपका। सबसे पहले मैं आपको ना वो इसके जो शॉर्ट कीवर्ड है ना, जो शॉर्ट टर्म्स हम लोग यूज़ कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोगों को आसानी हो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग वर्ड बार बार यूज़ करेंगे वो होता है एसिन। एसिन क्या होता है, वो ये होता है, ये देखें अमेजोन साइंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इस तरह से नंबर होता है, उसका एब्रीविएशन जो है वो ये होता है, जहाँ से भी आपको पता चल जाता है। इस एक्सटेंशन से भी URL में भी दिया हुआ है, ये URL में दिया हुआ है अगर आप देख रहे स्क्रीन में, ठीक है। उसके बाद नीचे इसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिया होता है, आइडेंटिटी नंबर होता है, हर प्रोडक्ट को एक यूनिक नंबर अमेजोन असाइन करता है, उसको एसिन नंबर कहते होते हैं। डिफरेंट होता है एसिन नंबर जो होता है वो अमेजोन करके असाइन होता है, बारकोड होता है वो कंपनी करके होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एसिन नंबर क्लियर हो गया, ये अमेजोन की तरफ से हर प्रोडक्ट को डिफरेंट असाइन होता है एसिन नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है UPC कोड, हम लोग एक टर्म बहुत यूज करेंगे, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अब UPC कोड क्या होता है, UPC कोड होता है वो जो हर प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगा होता है ना, जो लाइनों वाला बारकोड होता है, जो अक्सर वो स्कैन भी करते हैं, उसको कहते हैं UPC कोड कहते हैं उसको, ठीक है। हम लोगों ने जब भी यूज करेंगे हम लोग कहेंगे जी इसका इस प्रोडक्ट का UPC कोड क्या है, ठीक है, ये टर्म हम बहुत यूज करेंगे। उसके बाद आता है एक SKU, SKU कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट को। SKU भी आपका जो है बार कोड के साथ ही नीचे शो हो रहा होता है, वो हमें बताता है कि इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी हमारे पास पीछे स्टोर में पड़ी हुई है, ठीक है। SKU बता दिया, ASIN बता दिया, फिर उसके बाद हम लोग यूज करते हैं एसिन, मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने आपको UPC कोड का बता दिया, SKU का बता दिया, उसके बाद होता है FBA का होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जो कि हम लोगों ने काम करना है। फिर एक टर्म यूज़ करते हैं FBM सैलेड, ये सैलेड की टर्म है, FBM सैलेड होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है। फिर इसमें एक टर्म यूज़ होती है VA होता है वर्चुअल असिस्टेंट। फिर अमेजोन को हम AMD में कर रहे थे, शॉर्ट टर्म से मैं अमेजोन को AMD कहते हैं। फिर वो जो कल टर्म्स थी VAT और VAT था एक, और EIN नंबर था, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हम लोग बार बार यूज़ कर रहे थे, मैं आपको देख कर बता दूँगा कौन सी करते हैं। हाँ, LLC करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जो कल मैंने बताया था, LTD लिमिटेड कंपनी होता है। और होलसेल को हम लोग WS कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग और DS हम लोग कह रहे होते हैं। और इसके अलावा बाकी ये जो इसकी है प्रॉक्सी मार्केट को, प्रॉक्सी मार्केटर जो है उसको PM कह रहे होते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर को PMM कह रहे थे। ये कुछ है शॉर्ट टर्म जो हम लोग बार बार यूज कर रहे होते हैं, ठीक है।
वीवीआरओ की एक टर्म थी, वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स, जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, वो होती है कैसे? हाँ जी हाँ जी, जो हम लोग अपने लिस्टिंग पे बाइंग करवा रहे होते हैं उसको हम वीवीआरओ कहते हैं कि वीवीआर करवा दो। हाँ वो आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी काम कर सकते हैं, उसको प्रॉक्सी मार्केटिंग कह रहे थे उस सर्विस को। दे रहे हो तो आप उसका बहुत कम काम हो गया, पहले था एक पीक था इस चीज का, बहुत पीक था, लोगों ने लाखों कमाया इससे, लेकिन अब वो बहुत डाउन हो गया, फायदा नहीं उस चीज का। एक छोटे लेवल पे आप कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर फुल टाइम जैसे पहले था, पिछले साल बहुत ज्यादा था, उससे पिछले साल बहुत ज्यादा था, अब उस चीज का बहुत कम हो गया। वीवीआरओ उसका बहुत कम काम हो गया, ये वीवीआरओ ज्यादातर यूज होती है पीएल में, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को रैंक करना होता तो वो वहाँ पे यूज होती है, होलसेल में ऐसा जितना यूज नहीं है। एक कंपनी में आप ज्यादा ज्यादा करवानी भी होंगी, 10-15 करवा लेंगे, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो इतने तो बंदे के वैसे ही जानने वाले बायर फोन बैठे होते ही हैं, कोई ना कोई 2000 रुपए हम कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ये आपको एक्सटेंशन मैंने बता दी, कीपा का इसको डिटेल लेक्चर बाद में करेंगे आपको ना। मैं जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है ना, जो हमारा क्राइटेरिया हम लोगों ने सेट किया हुआ है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने इस क्राइटेरिया से बाय नहीं जाना। अगर इस क्राइटेरिया पे हमारा कोई भी प्रोडक्ट उतर रहा होगा तो फिर आप लोगों ने उसको फाइनल कर लेना, अगर वो नहीं उतर रहा होगा तो उस प्रोडक्ट को आपने स्किप कर देना है। ठीक है जी, आप एक साथ लिखते जाए, बेचक आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। सबसे पहला जो क्राइटेरिया हमारा है, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट जब ओपन करते हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि उस लिस्टिंग पे अमेज़न ना बैठा हो, मतलब वो प्रोडक्ट खुद अमेज़न ना भेज रहा हो। जैसे ये प्रोडक्ट हमने खोला था, इसमें अमेज़न खुद बैठा हुआ है, उस प्रोडक्ट पे अमेज़न खुद सेल ना कर रहा हो। ठीक है, अमेज़न को आप उसमें बेचक लिख दें OOS, एक OOS हम बहुत यूज करते हैं, क्या नाम, आउट ऑफ स्टॉक, इसको कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक, AMD OOS लिख दो शॉर्ट टर्म में, इतना लंबा लंबा ना लिखो, फिर OOS आउट ऑफ स्टॉक शॉर्ट टर्म हम ये यूज करते होते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरी उसकी कंडीशन है वो है कि ब्रांड खुद ना सेल कर रहा हो, और ब्रांड खुद कैसे ना सेल करो वो भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे कि ऑनलाइन सेलर है डॉन में हमें पता चल रहा है अमेजोन इस लिस्टिंग को सेल कर रहा है, उसी तरीके से हमें पता चल जाएगा ये जो इसका नाम है ब्रांड का ब्रिला स्टोर, हमने यहाँ पे सर्च कर लेना ब्रिला स्टोर खुद तो नहीं बेच रहा, अगर यहाँ पे नजर आ रहा है कि नहीं बेच रहा कहीं पे भी तो ठीक है, अगर बेच रहा होगा तो हमने उसको छोड़ देना है। उसकी रीजन क्या है, अमेजोन को हम लोग अमेजोन वाली लिस्टिंग पे हम लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि अमेजोन को हम कम्पीट नहीं कर सकते, उसकी जो कल भी रीजन बताई थी कि एक तो हम उसके प्राइस पॉइंट नहीं कर सकते, दूसरा अमेजोन हमारे साथ बाय बॉक्स शेयर नहीं करता, यानी कि हमें सेल नहीं देगा, जिस लिस्टिंग पे वो खुद बैठा होगा उस लिस्टिंग पे वो हमें कभी भी सेल नहीं देगा। ठीक है, दूसरा जो ब्रांड को हम लोग इस वजह से कम्पीट नहीं कर सकते हैं कि ब्रांड ने जो खुद जिस प्राइस पे बेच रहा होगा वो डेफिनेटली उस प्राइस पे हम लोग नहीं बेच सकेंगे, हमें वैसे उस प्राइस पे दे रहा होगा, हमें भी डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा होगा, लेकिन हमें FBA फीस पड़ जाएगी एक्स्ट्रा उसके ऊपर, हमें उसकी जो है वो है क्या नाम रेफरल फी पड़ जाएगी, FBA फीस पड़ जाएगी, जो उसकी फीसिंग है, शिप्ट अमेजोन कॉस्ट है, ये सारी फीसिस हमें बढ़ जाएंगे तो हम उसको कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने उस प्रोडक्ट पे नहीं जाना जिसपे अमेजोन बैठा होगा और जिसपे ब्रांड खुद सेल कर रहा होगा। किसी भी प्रोडक्ट पे आप जा रहे हैं, लोकल हो इंटरनेशनल हो कोई भी हो, आपने ऐसा प्रोडक्ट पे जाना ही नहीं जिसपे अमेजोन उस लिस्टिंग पे बैठा होगा या ब्रांड खुद सेल कर रहा होगा। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक का मैंने वो बताइए कि हो शॉर्ट टर्म बताइए कि अमेजोन उस पर ना हो। ठीक है, अमेजोन भी ना हो ब्रांड भी ना हो उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरी कंडीशन जो इसकी हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट की, उसका